हेलो क्यूरियस माइंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कूल इंसेक्ट से मिलाने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, जो बिल्कुल एल्गे में छिपा हुआ है, ढका हुआ है, ये है एक ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट, यानी रिलेटिव ऑफ ग्रास हॉपर्स, गेटीडेट्स, क्रिकेट्स। ये ग्रास हॉपर का एक सगा है, लेकिन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फैमिलीज ऑफ ग्रास हॉपर्स। ये है टेट्रीगिडे। बहुत ही कूल इंसेक्ट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सबमर्ज है पानी के अंदर। यही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनकी खासियत। एक ऐसा इंसेक्ट जिसको हम एक्वेटिक क्रिटर बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर एफिनिटी देखी जाती है इस फैमिली के साथ। पानी के पास रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपको जो डैम्प सरफेस होते हैं, चाहे वो रॉक्स के ऊपर हो, बार्क के ऊपर हो, वहाँ पर आपको ये ग्रास ऊपर देखने मिलता है फैमिली टेट्रीगिडे। देखिए, मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको देख पाए। बहुत ही कूल इंसेक्ट है। आपको इसके ऊपर क्रिप्टिक कलरेशन देखने मिलता है। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कलरेशन, क्रिप्टिक कलरेशन जो है, ये इसको मदद करता है कैमोफ्लाज होने में। और जैसे ही देखिए ये डेंजर सेंस करता है, अलार्म अलार्म होकर ये पानी में जंप कर देता है, और कुछ समय तक पानी के ऊपर सतह पर तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। कुछ स्पीसीज फुल्ली एक्वेटिक होती है, कुछ सेमी एक्वेटिक होती है। मुझे लगता है ये वाली जो है ये सेमी एक्वेटिक है, यानी ज्यादा समय बाहर भी रह सकती है और पानी के अंदर भी। देखिए, मुंह इसने अपना बाहर रखा हुआ है ताकि ये सांस ले पाए, लेकिन ये स्विमिंग भी कर सकता है, पानी के अंदर गोता भी लगा सकता है। बहुत ही कम इन पर रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है, खास तौर पर भारत में। तो स्पीसीज लेवल पर आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ये यू सेलिमेना हरपावो नामक एक स्पीसीज ये हो सकती है, जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है। टेट्रीगिडे फैमिली की और एक खास बात होती है, ये सेमी एक्वेटिक है, स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इनका जो हिंड टैबिया है, टिबिये, वो थोड़ा एडेप्ट हुआ है स्विमिंग, पैडल करने के लिए, जैसा कि आप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ज्यादा समय तक नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए पानी में तैर सकते हैं और तुरंत वापस एक सतह पर आ जाते हैं। इसके अलावा, जहाँ पर ग्रास ऑपर्स नाम सुनकर हमको लगता है ये ग्रास पर फीड करता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो फैमिली है टेट्रीगिडे, ये स्पेशलिस्ट है फीड करने पे ऑन एल्गी। देखिए, ये है ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस यूकारियोटिक ग्रीन एल्गी यहाँ पर है, और इसी पैचेस पर जो है हमारा सब्जेक्ट, हमारा इंसेक्ट जो है फीड कर रहा है। एक एल्गी स्पेशलिस्ट है। लोअर प्लांट्स जैसे कि मॉस, लाइकेन, एल्गी, इसी पर ये फीड करता है, इसी को खाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। कूल तो है ही, क्यूट तो है ही, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पहले बहुत हुआ करते थे, रिवर साइड्स में आप पत्थरों पर अगर देखो तो इनके बहुत बड़ी संख्या में इनको आप देख सकते थे। हाल फिलहाल में इनकी संख्या काफी कम हो गई है। पॉन्ड्स हो, क्रीक्स हो, रिवर हो, जहां पर भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ ज्यादा होती है, रिच माइक्रोस्कोपिक लाइफ, वहां पर आपको ये देखने मिलेगा। तो आपको भी अगर टेट्रीगिडे फैमिली के इन इंसेक्ट्स को देखना है, समझना है, तो आप रिवर साइड के रॉक्स को तो देखिए। इसके अलावा जो पेड़ों की बार्क होती है, छाल होती है, उस पर भी आपको ये छुपे हुए मिल सकते हैं कैमोफ्लाज।